अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारे पास फ़ोन है स्मार्ट 8 प्लस इन्फिनिक्स का एक्स पैंट 26, और इसमें जो मसला है वो इसका एफ आर पी लॉक को रिमूव करना है CM2 से। आज आपको मुकम्मल तरीक़ाकार बताने वाले हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखना है। सबसे पहले CM2 खोलना है और यहाँ पर इन्फिनिक्स सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर 23/11 ये सिक्योरिटी जो है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने आइडेंटिफाई लाजमी करना है। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मेट करेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा, आपने आइडेंटिफाई पर क्लिक करना है और साथ में लाइव बूट का जो ऑप्शन है उसको भी टिक कर लेना है, ठीक है। जैसे आप टिक करेंगे और मोबाइल फ़ोन को पावर ऑफ करके अप डाउन प्रेस करके USB को कनेक्ट कर देना है, ठीक है। जैसे आप USB को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर प्री लोडर की पोर्ट आ जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेट जो है हमारा बूट कर चुका है, ठीक है। तो अभी ये आइडेंटिफाई होगा, इसका बैकअप वगैरह जो है वो यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 1 मिनट लगता है और इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो हो जाती है। उसके बाद आपने इसको लॉक करना है, लॉक अनलॉक करना है, या FRP लॉक है, या आपने फ्लैश करना है तो आप इसे कर सकते हैं। ये बहुत से दोस्तों का इशू आ रहा था कि ये सेट जो है वो B-ROM मोड पर नहीं जाता था, ठीक है। जब आप इसे कनेक्ट करते थे ये एरर दे जाता था और आइडेंटिफाई नहीं होता था, ना ये कनेक्ट होता था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सर्विस पर जाना है और हमने लाइव बूट ऑन रखा हुआ है, इस वजह से मोबाइल दोबारा कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने सिर्फ FRP लॉक को रिमूव करना है, तो FRP पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। और यहाँ पर हमने मोबाइल फ़ोन को डिसकनेक्ट नहीं किया अभी, ठीक है। आप देख सकते हैं मोबाइल नीचे अटैच है, तो ये देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन की जो FRP है वो रिमूव होना शुरू हो गई है। यहाँ पर जैसे ही ये आप देख सकते हैं FRP जो है इसकी डन हो चुकी है, FRP ख़त्म, ठीक है। तो मैं मोबाइल आपको दिखाता हूँ कि मोबाइल हमारा जो है वो ऑन हो रहा है, ठीक है। यहाँ से रिबूट करना है, जैसे रिबूट करेंगे मोबाइल फ़ोन को तो मोबाइल रिस्टार्ट होके ऑन हो जाएगा। वैसे आपने मोबाइल को नहीं उतारना, ठीक है। प्रीलोडर मोड पर भी ये रुक सकता है, तो यहाँ से आप रिबूट करेंगे तो मोबाइल ऑन हो जाएगा। स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं मोबाइल फ़ोन पर आपको नज़र आ रहा होगा फ़ोन जो है वो ऑन हो रहा है। जैसे ऑन होता है तो आपको चेक करवाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल जो है वो ऑन हो चुका है। यहाँ पर हमने लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करके आपको चेक करवाते हैं इसके FRP लॉक जो है वो रिमूव हो चुका है या नहीं। स्मार्ट 8 प्लस है इन्फिनिक्स का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चेक करवा, यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट है, वाईफाई को एक दफ़ा मैं ना डिसकनेक्ट करता हूँ, फॉरगेट करता हूँ, फिर आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पर बैक करता हूँ और यहाँ से वाईफाई को डिसकनेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं स्किप का ऑप्शन आ चुका है, उस स्किप पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे और इसकी FRP जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ऊपर आप देख सकते हैं लॉक का ऑप्शन भी नहीं आ रहा और सेट हमारा जो है वो ऑन हो चुका है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑन हो गया, ठीक है। तो सेटिंग में जाकर आपको चेक करवा देते हैं इसका मॉडल भी, और यहाँ पर आप देखें तो इन्फिनिक्स का स्मार्ट 8 प्लस है एक्स पैंट 26। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर आने वाली नई वीडियो अब तक पहुँचती रहे।